यहाँ म्यूजिक क्यों बजता है, लोग ताली क्यों बजाते हैं, डांस क्यों करते हैं, ये एक प्रश्न है। नए आदमी को काफी ये परेशान करता है। ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट डू सो, अधिकांश लोग नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट डू सो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नॉट एक्साइटेड, नॉट यू नो हैप्पी डांसिंग, दैट्स व्हाई। कुदरत के कुछ नियम हैं। आपको अगर शॉपिंग करनी हो तो आप उस दुकान पे जाएंगे जहां पहले से रश है। हेलो, नियम है ये। अगर कुछ लोग मेरा नाम सुन के यहां आए हैं तो इसलिए आए हैं क्योंकि मेरा नाम है। हेलो, तो नाम किसकी तरफ जाएगा, जिसका पहले से है। हेलो, आज से हम बिजनेस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि चल रहा है। हेलो, लॉ ऑफ नेचर है, खुशी खुशी की तरफ जाती है, गम गम की तरफ जाता है। जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है। हेलो, पैसा पैसे को खींचता है। सो इस बिजनेस का अगर कोई अल्टीमेट लॉ है वो ये कि आप जो चाहते हैं उसके अभिनय में आ जाए। अभी स्टेज पे कुछ लोग डांस कर रहे थे तो नया आदमी क्या सोचता है कि क्यों नहीं डांस करेंगे, पैसे जो बनते हैं। हेलो, गलत। इसलिए डांस नहीं कर रहे कि पैसे बनते हैं, डांस किया था इसलिए पैसे बनने शुरू हुए। डांस पहले करना होगा, खुशी पहले जाहिर करनी पड़ेगी फिर खुशी आएगी। पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम। जिनके पास पैसा होता है उसरा का भाव पैदा करें। गम खुशी जो है वो हवा में तैर रही है। इंग्लिश का कोट है, मिजरी लव्स अ कंपनी। क्या मिजरी, दुख दुखांत क्या चाहता है, संगत। खुशी के बारे में भी सच है। आपने कभी देखा कि आपके यहां पे फुंसी हो जाए, यहां पे घुटने पे, यहां तो जो ठोकर लगेगी यहीं पे लगेगी। हेलो, आप आराम से ऐसे बैठे होंगे, कोई आएगा पूछेगा क्या हाल है भाई, यहीं मारेगा। पता क्यों होता है, मिजरी लव्स कंपनी। आपके कंधे पे दर्द हो रहा है, जो भी आएगा कंधे पे हाथ मार के पूछ गया क्या हाल है। एक दुख दूसरे को बुलाता है। मान लीजिए आपको मौका मिले दिल्ली जाने का, आपने दिल्ली रात रुकना हो और दिल्ली में चार आपके रिश्तेदार रहते हैं, रिलेटिव, चार फैमिलीज, और आपके पास ऑप्शन है कि आप कहीं भी जाके रुकें रात को। कहां रुकेंगे, जो आपके जैसा होगा। हेलो, अगर वो दुखी है और आप भी दुखी हैं तो उसका दुख बढ़ जाएगा या नहीं। हेलो, अगर वो खुश है और आप भी खुश हैं तो खुशी उधर जाएगी। हेलो, और आप दारू पीने के शौकीन हैं रोज तो किसके पास रुकेंगे, जो दारू पीने वाला है। आप भक्त हैं, किसके पास रुकेंगे,
जो भक्त है, खुशी खुशी की तरफ जाती है, गम गम की तरफ जाता है। और हर व्यक्ति, हर साधन, हर चीज, सुख दुख अपने लिए माकूल माहौल ढूंढते हैं। एक कीड़ा जो गंदगी में रहता है उसको निकाल के घी में डाल दिया जाए तो मर जाएगा? नहीं मर जाएगा। हेलो, इसे उल्टा कर दें तो भी यही होगा। गॉट इट? और दुख और सुख हवा में तैर रहे हैं, वो कहीं जाना चाहते हैं, कहां जाएंगे? जहां पहले से हैं। हेलो। और दुख हर जिंदगी में है। क्यों? दुख अपूर्णता को रिप्रेजेंट करता है, और ये जगत है, भौतिक जगत, ये अपूर्ण है, ईश्वर पूर्ण है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, स्वर्ग में रहता है, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, कोटा खत्म हो जाता है, तो अपने दुखों का भुगतान करने के लिए वो मृत्यु लोक पे, यानी यहां पे, हेलो, जन्म लेता है। अगर हमने सबने यहां जन्म लिया है, इससे एक बात तो तय हो गई, क्या? कि कष्ट भोग के लिए पैदा हुए, पुराना हिसाब को चुकता करने के लिए। तो दुख तो रहेंगे जब तक जीवन है। इलाज क्या है? इलाज है दुख को सहने की क्षमता को बढ़ाना। कि तीर लगे तो आदमी सोचे कौवे ने बीट की है, ये अपने हाथ में है। और सुख दुख जो अपनी तरफ आ रहे हैं उसके आकर्षण और विकर्षण की विधि को सीखना। ट्रांसमिशन होता है टीवी सेंटर से, तरंगे फैल जाती है, उसी के टीवी में पिक्चर आती है जिसका एंटीना सेट होगा उस दिशा में। हेलो, वो तो बह रही है। ऐसे ही मिजरीज लव अ कंपनी, दुख हवा में तैर रहा और कोई जगह ढूंढ रहा अपने लिए, कहां होगी? जो आदमी पहले से दुखी होगा। और मान लीजिए मेरे पास एक दुख है, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास ड्रेसअप हूं, शेप की टाई लगाई और अच्छे मूड में घूम रहा हूं, दुख आएगा मेरी तरफ, मेरे पास रुकेगा, देखेगा, वो लगेगा कि ना गलत जगह पे आ गए। हेलो, ट्रांसफर हो जाएगा आगे। खुशी आएगी तो उसको धोखा होगा कि हाँ यही जगह है। हेलो, दैट विल कम टू मी, पहले से। दैट्स व्हाई आपको खुश रहना है, ताली बजानी है, डांस करना है, ऐसा अभिनय करना है कि आप खुश हैं। और ये जो अभिनय है, यही सही मायनों में प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? धन्यवाद। हेलो, अगर ईश्वर से मांगने से मिलता होता तो मांगने का तजुर्बा तो सबको बहुत ज्यादा है। हेलो, जन्मजात भिखारी है। जो मिला है जब तक उसके लिए कृतार्थ नहीं है, कुछ भी नेक्स्ट चीज मिलने वाली नहीं है। हेलो, आप सोचें, आपके पास दो एम्प्लॉई हैं, एक को आप 7,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, एक को 10,000 देते हैं। जिसको आप 10,000 देते हैं वो किलसता रहता है हमेशा, मर गया, लुट गया, क्या किया आपने मेरे लिए। हेलो, जो 7,000 ले रहा है वो कहता कि कोटि कोटि धन्यवाद आपको। हेलो, दिन रात ऐसा बोलता है। और अगले दिन आपको एक प्रमोशन देनी है तो आप किसको देंगे? हेलो।
वो भी ऐसा ही करता है। वो उसको देता है जो पहले जो दिया गया है उसको लेके खुश है, कृतज्ञ है, धन्यवाद देता है. गॉट इट? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट डू इट. फ्यू पीपल आर डू इट एंड लीडर्स डू सो. लीडर्स एटीट्यूड इज ग्रेटिट्यूड. लीडर्स एटीट्यूड इज ग्रेटिट्यूड, आभार, धन्यवाद उस सब के लिए जो मिला. क्योंकि जब आभार से आप भरेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपके पास क्या क्या है. जब आपको याद रहेगा कि आपके पास क्या क्या है तो आप खुश रहेंगे. जब आप खुश रहेंगे तो खुशी आपकी तरफ आना शुरू होगी. और आप इस समय लोगों के बिजनेस में हैं. हेलो, लोगों के बिजनेस में आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग जुड़े. तो लोग किसके साथ जुड़ेंगे? आपको अगर फ्री ऑप्शन दी जाए तो किसके साथ जुड़ेंगे? दुखी राम के साथ या सुखी राम के साथ? तो लोग भी सियाने हैं, वो भी चेक करते हैं आपको. गॉट इट? और लोगों का जुड़ना एक घटना है, संयोग से भी हो सकती है. लेकिन रेगुलर कौन आदमी आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपको फॉलो करेगा? अगर आप खुश हैं, उदार हैं, देन ओनली. वर्चुअली मल्टी लेवल मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ पीपल्स. लोगों का बिजनेस है. इसमें आपका अपना जो वजूद है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये एक चलती फिरती दुकान है. हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं. आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं. ये बिजनेस ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि आप ठेली लगा के थैला उठा के कुछ बेच रहे हैं. हेलो, आप अपने आप में शोरूम है, अपने आप में ही दुकान है और अपने आप में ही फैक्ट्री है. और आपको जो तय करना है कि ये जो चलती फिरती दुकान है उसका हुलिया कैसा हो. सबको पता है कि 2 रुपए का आलू 15 रुपए में बिकता है. पता है यहां बिकता है? नहीं, दो लोगों को पता है, सब बोलते नहीं. बिकता है? यस. 2 रुपए का आलू 10 रुपए का बिकता है पैकेजिंग की वजह से. पैकेजिंग का जमाना है. जो दिखता है वो दिखता है. सो आपको कैसा दिखना चाहिए ये आपको तय करना है. वी आर सेलिंग ए प्रोडक्ट, सोप. नो, वी आर सेलिंग होप, उम्मीद. और उम्मीद जिसको होती है वो खुश होता है. और आप किसी दूसरे व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ वो दे सकते हैं जो आपके पास है. आपको उम्मीद है, आप खुश हैं, ड्रीम्स हैं, तो पीपल, लोग आपके साथ जुड़ेंगे. लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस. आप और मेरे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि मैं लोगों से करवाऊं कि आप ये करो, आप वो करो, आप वो करो. इट डजंट वर्क. लीडरशिप है रोल मॉडलिंग. लीडरशिप होती है आइडियोलॉजी. हेलो, आइडियोलॉजी. धर्म एक आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल बिलीव्स एक आइडियोलॉजी है, दिनचर्या एक आइडियोलॉजी है. कोई व्यक्ति आपके साथ आप जैसा हो जाए
वो सामने वाला वही हो सकता है जो आप हैं। मेरी मिसेस, शी इज वर्किंग एज एन ऑफिसर, समटाइम वो मेरे को सलाह देती हैं, आप क्यों इतना भागते हो, आप काम अलॉट क्यों नहीं करते, आप उसकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाते कि वो ये करे और वो करे। हेलो, मैं उनको बोलता हूँ कि ये आपके ऑफिस में होता है, क्योंकि आप ऑफिसर हैं, आपके पास एक पेन है हरे रंग का, एक है लाल रंग का। हेलो, लोगों को डर है कि कहीं लाल रंग से ना लिख दें कुछ, इसलिए वो आपका कहना मानते हैं। हेलो, हमारे पास कोई पेन नहीं है, हमारे पास तो अपना करेक्टर है जिससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो हमारे जैसा बनने की कोशिश करें, और वो दूसरे आदमी वो बनेगा जो हम हैं, और जो हम हैं वो उससे कुछ कम बनेगा। हेलो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे लोग इतना काम करें तो मेरे को इतना करना पड़ेगा। गॉट इट? सो आप चाहते हैं कि आपके लोग प्लान दिखाएं, आप चाहते हैं कि लोग प्रोडक्ट यूज करें, आप चाहते हैं कि लोग मीटिंग में आए, आप चाहते हैं कि लोग किताबें पढ़ें, अच्छे हो जाएं करेक्टर से। यू वॉन्ट लॉट मेनी थिंग्स, तो क्या तरीका है इसका? और ये बिजनेस तेजी से क्यों नहीं बढ़ता? आइडियोलॉजी और विजन को ट्रांसफर होने में समय लगता है। हेलो, टाइम लगता है। जो आदमी आज मेरे साथ जुड़ा है वो अपनी बैकग्राउंड से आया है, उसकी आदतें अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, उसको इस कल्चर में ढलते ढलते समय लगना है। और वो जिन लोगों को लेके आएगा उनको भी ढलने में समय लगना है, इसलिए ये पेशेंस का काम है। जो आप अपनी टीम से चाहते हैं वो आपको करना है, वही सिंपल। और दूसरा, आपकी ये घबराहट है कि 50 लोग जोड़ दिए, सिर्फ 2 हैं जो काम करते हैं। हेलो, ऐसा क्यों होता है? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट ड्रीमर्स, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट वॉन्ट टू सक्सीड, फ्यू, लॉ ऑफ एवरेज। हेलो, इस शहर में जितने स्कूल हैं उन स्कूलों में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं नर्सरी क्लास में, 40% उसमें से 5वीं कक्षा से पहले स्कूल छोड़ देंगे। हेलो, जो बचेंगे उसके 40% 8वीं तक छोड़ देंगे। हेलो, और उसके 40% तक मैट्रिक तक छोड़ देंगे, मैट्रिक, और उसके 60% तक जो है वो ग्रेजुएशन नहीं करेंगे। हेलो, लॉ ऑफ एवरेज। एंड डोंट कंफ्यूज विद द डिग्रीज एंड कैलिबर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि स्टडीज ये कहती है कि किसी लॉ कॉलेज में फर्स्ट क्लास स्टूडेंट जो होते हैं, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट लॉ कॉलेज में, वो लॉ के प्रोफेसर बनते हैं। क्या? हेलो, लॉ के प्रोफेसर बनते हैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट। सेकंड क्लास जो स्टूडेंट होते हैं वो जजेस बनते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। थर्ड क्लास जो स्टूडेंट हैं वो वकील बनते हैं, और अधिकांश वकील लोग ही होते हैं ऐसे जो आगे मिनिस्टर बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं, बिकॉज दे आर लीडर्स। क्योंकि उन्होंने फील्ड चुना, लोगों का काम चुना। हेलो, सो लॉ ऑफ एवरेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। आपको समझना है कि आप शेर सिंह हैं। हेलो, ये होगा जब तक दुनिया है, जब से दुनिया है और जब तक दुनिया रहेगी।
आपके ग्रुप में यू आर ए लीडर एंड यू आर ए रोल मॉडल. यू नीड नॉट टू से एनीथिंग, यू नीड नॉट टू टीच एनीथिंग टू एनीवन, जस्ट एक्ट, जस्ट वॉक योर टॉक. आप प्रोडक्ट का यूज करें, आप मीटिंग में आए, आप किताब पढ़ें, आप टेप सुने. हेलो, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको वॉच कर रहे हैं और वो आप में आने वाली और आ रही तब्दीलियों को भी वॉच कर रहे हैं. उससे बदलाव आता है. क्योंकि मानव मनोविज्ञान जो है, आदमी जो है, उससे अगर कुछ भी करवाना हो तो वो उसको उससे ज्यादा सीखता है जो वो देखता है. जो उसको कहा जाता है वो उसे उसके ईगो को हर्ट करता है कि मेरे को सिखाया जा रहा है. हेलो, मैं इसका कहना मानूं, मेरे सर पे तो इससे ज्यादा बाल है. हेलो, मेरी तो मूछ है, इसकी मूछ भी नहीं. हेलो, या मैं इससे बड़ी जात का हूं, या मैं इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, या मेरे पास इससे ज्यादा पैसे हैं, या मैं इस ऑफिसर में ऑफिस में इससे सीनियर हूं. हेलो, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो वो देखते हैं. सही सही चीजों को करते हुए आपके लोग देखें. दिस इज डुप्लीकेशन. आप अपने बच्चों को कहो कि सुबह 5 बजे उठ के सैर करने जाया करो और आप खुद 10 बजे उठें तो चलेगा? हेलो, नहीं चलेगा. क्योंकि जो चीज सिखाई जाती है जबरन, मोस्ट ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन डोंट कंज्यूम मिल्क. हेलो, भारत में अधिकांश बच्चों को जबरदस्ती दूध पिलाना पड़ता है. पता क्यों? हेलो, क्योंकि डुप्लीकेशन गलत है. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शुरू से दूध, हेलो, तो आप उन्हें कभी ना कहें कि दूध पियो, केवल उनके सामने रोज दूध पिए. केवल मेरे पास 2 बच्चे हैं. मैं बाहर रहता हूं ट्यूरिंग में, ये वो. मैं यहां से फोन करता हूं तो बच्चा फोन उठाएगा तो बोलेगा पापा जी प्रणाम, चरण स्पर्श. हेलो, ऐसा बोलता है. और मैं जब घर जाऊंगा तो दोनों मेरे पांव छुएंगे. उनकी मदर उनके पास रहती है. कभी ऐसा अगर हो जाए कि मैं घर पे हूं और मदर बाहर हो और वो बाहर से फोन करे और बच्चा फोन उठाए तो वो उसको चरण स्पर्श नहीं बोलेगा. हेलो, मैं घर पे हूं, बच्चे घर पे हैं, मिसेज अगर बाहर से आए तो वो उनके पांव नहीं छुएंगे. क्यों? क्योंकि उनको एक साइड से सिखाया गया कि पापा के पांव छूने हैं. उनको ये नहीं सिखाया गया कि माता पिता के पांव छूने हैं. और दूसरा, इससे एक और आदत उनकी डेवलप हुई. एक कपल हमारे रिलेशन में जो हमसे बहुत बड़े हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हस्बैंड वाइफ ने यह किया. मैंने पानी पिया, जरा सी से बात की, फिर मैं वर्मा जी के घर नहीं गया, उसी को स्पॉन्सर किया. वो डिस्ट्रीब्यूटर है आज, वो आज डिस्ट्रीब्यूटर है. एक्सटेंड दें पहले. आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कोई व्यक्ति खड़ा है, पूछें कि अगर आप ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं तो आप थोड़ी देर बैठ जाएं, मैं खड़ा हो जाता हूँ. हेलो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या कहे, नहीं 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 आप बैठ रहे हैं. अगर आपने पूछ लिया, एक रिश्ता शुरू हो सकता है. एक रिश्ता. ये नंबर 4, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने का कोई चांस मिले तो मिस ना करें.
कोई शादी है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये है वो है, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला। और नियम नंबर 5, उस कार्यक्रम में यदि पब्लिकली अपीयर होने का कोई चांस मिले तो मिस ना करें। हेलो, 2 साल पहले की घटना है। एक बार मैं एक शहर में गया, वहाँ एक मित्र है, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर बने थे। मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं शहर में आया हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कहाँ हैं? उसने बोला कि मैं शहर के उस कोने में हूँ। मैं कहा मैं शहर के इस कोने में हूँ, आप इधर आएंगे? बोले मैं अभी आ रहा हूँ। मोबाइल पर बात हुई उनसे, लेकिन 2 मिनट बाद ही उनका दोबारा फ़ोन आ गया कि मैं कार बैक कर रहा था, मेरी कार एक साइकिलिस्ट से टकरा गई, एक बुज़ुर्ग साइकिल पर चल रहे थे, उनसे टकरा गई मेरी गाड़ी और वो गिर गया, उनकी चोट लग गई और थोड़ा मैं लेट हो जाऊँगा, उनके पट्टी वगैरह करवा दूँ। मैंने उन बोला कि उनको गाड़ी में बिठा के ले आएँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ वो डॉक्टर के क्लिनिक के पास ही हूँ, वो डॉक्टर मेरे जानकार हैं, हम इनको यहाँ पट्टी करवा देंगे। वो उनको गाड़ी में बिठा के वहाँ ले आए, उनको पट्टी करवाई, उनके घर पर फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है लेकिन सब ठीक है, हम इनको लेके घर पर आ रहे हैं। हम लेके उनको घर छोड़ने गए, घर छोड़ने गए तो ऐसे में जब कोई घटना घट जाए तो दूसरे आदमी का रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं तो कुछ नहीं होगा। हमने बोला कि ये जो घटना घटी है इससे ओके, तो हम गेट पे थे, वो उनको लेके अंदर जा रहे हैं, तो मैंने कहा एक गिलास पानी मिलेगा क्या? उनको तुरंत ध्यान आया कि ये तो उनका फर्ज था। हालांकि उनको ये भी ध्यान आया कि उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए, आजकल कौन टक्कर मार के घर छोड़ने आता है। वो हमें अंदर ले गए, ड्राइंग रूम में बिठाया। उनका बेटा जिसकी एज लगभग 42 साल है, पानी पीते ही मैंने पूछा कि आप, अब ऐसा मौका नहीं था कि मैं उनको कार्ड देता, ऐसा मौका नहीं था, माहौल के मुताबिक एक अच्छा सा प्रश्न, सर आप जॉब पे हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं? 2 सवाल पूछे, ऑप्शन, चाय लेंगे या कॉफी, पूछते 2 ऑप्शन। अगर हमने जवाब यस में लेना हो तो 2 ऑप्शन दें, चाय लेंगे या ठंडा, सर आप जॉब में हैं या प्रोफेशन में हैं, किसी में बिजनेस करते हैं? नहीं नहीं, उन्होंने बोला कि मैं अभी अभी 1 महीना पहले सेना से रिटायर होकर आया हूँ। तो अभी आप कुछ कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं या तो कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ या सोचता हूँ कि कोई काम करूँ। मैंने कहा बाय द वे हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान भर में चलता है, उसमें हमें ऐसे लोगों की खास ज़रूरत है जिनका बैकग्राउंड आर्मी का हो। अच्छा, ऐसा क्या है? मैं कि अभी मौका नहीं है, मैं परसों द्वारा आने वाला हूँ, फिर हम बैठ के बात करेंगे, ये मेरा कार्ड है। परसों मैं उनके घर पे गया, उनको मैंने प्लान दिखाया, अगले दिन फॉलोअप किया, ज्वाइन कराया। उस व्यक्ति के नीचे इस समय लगभग लास्ट मंथ 32 लाख रुपए का बिजनेस है। बहुत साल पहले हमने एक बार अपना घर शिफ्ट किया किसी जगह पे, किसी कॉलोनी में, सामान रात को अनलोड हुआ, रात 10:30 बज गए। तब मेरे ब्रदर मेरे साथ थे, भैया भाभी बच्चे उनके, मेरी शादी अभी नहीं हुई थी, वो ब्रदर फिर बाद अमेरिका चले गए। 10:30 जब हम सामान पूरा उतारा तो मेरा मूड हुआ कि चाय पी जाए। मैंने भाभी को बोला कि चाय, तो उन्होंने बोला कि चाय तो मिल जाए लेकिन क्या है कि किचन का अभी सामान नहीं खोला, चाय पत्ती नहीं है, अगर चाय पत्ती हो तो चाय बन सकती है। मैंने पूछा ये जो बगल वाला घर है इससे मांग लो। हेलो, तो उनका जवाब था कि शर्म नहीं आएगी तुम्हें? हेलो, जब भी शर्म आए उसका एक इलाज है, बताऊं? जब भी संकोच हो उसका एक इलाज है, बताऊं? जब आपको ये चीज सताए
ये संकोच रोके कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, तो उसकी जगह खड़े हो जाओ और ये सोचो कि अगर मेरे पास कोई आदमी आया होता, उसने घंटी बजा के प्रेम से किसी का रास्ता पूछा होता तो मैं बताता कि ना, अगर उसने प्रेम से पानी मांगा होता मैं देता कि ना, अगर रात को 10:30 बजे वो व्यक्ति जिसने अभी अभी सामान खोला है मेरे पड़ोस में, फ्यूचर में मेरा पड़ोसी बनने वाला है, वो 10:30 बजे रात को मेरे से थोड़ी सी चाय की बत्ती मांगेगा तो मैं क्या करूँगा, दूंगा या नहीं दूंगा? हेलो, मेरे को खुशी होगी या दुख? खुशी होगी। तो संकोच टूट जाएगा, टूट जाएगा जब आप उसकी जगह खड़े होकर सोचेंगे। हेलो, तो मेरी भाभी ने बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मैंने सोचा कि हाँ आएगी कि नहीं आएगी, सोचो कि कोई अगर मांगने आता तो शर्म आती, वो क्या सोचेगा? इसका जवाब मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? हेलो, मेरे को जवाब मिल गया। मैं गया, मैंने माहौल देखा, लाइटें जल रही थी, किचन से पकवान की खुशबू आ रही थी, मैंने घंटी बजाई, एक सज्जन पुरुष बाहर आए। मैंने बोला मैं ना अभी अभी हमने, हाँ हाँ मैंने देखा आप अभी अभी आपने सामान उतारा है, अच्छी बात है, गुड गुड है। तो मैंने कहा सर ऐसा था कि वो हमने किचन का भी सामान सारा खुला नहीं है, थोड़ी सी ना चाय पत्ती अगर मिलती तो हम चाय पी लेते। ओ कितने लोग हैं आप? मैंने कहा 5। चाय बनवा के भिजवा दूं? मैं कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, खाना बना, खाना खाना खा लिया आप लोगों ने? मैं कहा वो हम खा के चले थे। वो जैसे अंदर को मुड़े और फिर लौट के आ गए। कुछ स्नैक्स वगैरह चलेगा, स्नैक्स वगैरह? मैं कहा हाँ चल सकता है। अब 15 मिनट बाद उन्होंने हमारे घर की घंटी बजाई, हस्बैंड वाइफ आए, चाय लेके स्नैक्स लेके 10 मिनट बैठे, बातचीत हुई, चाय पी हमने, वो चले गए। सुबह हमने उनको बर्तन लौटाए, एक रिश्ता शुरू हुआ। कुछ दिन बीते, कुछ हफ्ते बीते, कुछ महीने बीते, उसी घर में मैंने शादी की। थैंक यू, हैव सीट्स। हेलो, असूल नंबर 6, रिस्पेक्ट द मिस कॉल्स। हेलो, रिस्पेक्ट द मिस कॉल एंड रिस्पेक्ट द पीपल विच कम टू यू बाई चांस। रिस्पेक्ट द मिस कॉल्स एंड रिस्पेक्ट द पीपल हु कम्स टू यू बाई चांस, गलती से। हेलो, देखिए नियम क्या है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, आप करें या कोई आपसे करे। हेलो, पेशेंस से समय दें, काउंट डाउन। नियम नंबर 7, उनके ग्राहक बने जो आपके संभावित ग्राहक बन सकते हो। हेलो, मान लीजिए आप इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस हासिल करवाते हैं। हेलो, आपके पास पॉलिसी है लाइफ इंश्योरेंस की, दिस ब्ला ब्ला ब्ला, और जिस भी व्यक्ति ने किया है वो हर साल आपको टटोलता है कि शायद आप अगली करवाएंगे। हेलो, उसको प्लान दिखाएं, प्लान दिखाएं और उसको देखें कि आप उसके ग्राहक हैं। अगर वो आपका ग्राहक नहीं बनता तो अगली पॉलिसी किसी अगले व्यक्ति से करवानी है, उससे जो आपका ग्राहक बने। हेलो, कोई भी आपको मान लीजिए आपको घर पेंट करना है और आपने चुना कि एशियन पेंट यूज करना है, एशियन पेंट के 10 डीलर हैं। हेलो, आप चेक करें कि कौन सा संभावित ग्राहक आपका हो सकता है, आदान प्रदान। 8, ट्राई टू अप्रोच दोज पीपल हु बिलोंग्स टू योर पीपल्स। उन लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करें, मान लीजिए आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके पेरेंट उनके टीचर से कभी मिले? हेलो, अच्छा लगेगा या बुरा? हेलो, आपने बच्चे के हाथ में एक नोट भेजे कि अपने टीचर को देना, उसमें लिखें कि रिस्पेक्टेड सो एंड सो, we are feeling blessed that you are teaching our child, he is growing well, we will be glad if you will come visit our place for a cup of tea, thank you very much. Hello, unko chai pe bulaye, aapke bacche hain, unke friends hain, unke parents ko aap nahi jante. Hello, jante
नहीं जानते, कोशिश करें जानने की। प्रोस्पेक्टिंग अपने आप में कोई काम नहीं है, आप स्वयं चलती फिरती प्रोस्पेक्टिंग मशीन है। अभी मैं जिस दिन आया वहां से, दिल्ली से मैंने फ्लाइट ली, तो उससे एक घंटा आधा घंटा पहले एक फ्लाइट चेन्नई आई थी। तो नियम मुताबिक अगर फ्लाइट जाने वाली हो, कोई व्यक्ति उसमें आया ना हो, तो पीछे अनाउंसमेंट कराते हैं वो वेटिंग हॉल में, हेलो। तो ऐसे लोग बैठे होते हैं जिन्होंने नेक्स्ट फ्लाइट लेनी होती है, तो वो वहाँ अनाउंस करते हैं कि फ्लाइट नंबर सो एंड सो कुछ चेन्नई वाला तो नहीं है, हेलो चेन्नई वाला तो नहीं है। तो एयर होस्टेस जो अनाउंस कर रही थी, उसका हुलिया और तेवर ऐसे थे जैसे कि होने नहीं चाहिए, ट्रेनिंग उनको जो दी जाती है उसके विपरीत था। मैं सामने बैठे सोच रहा था चेन्नई वाला कोई है, मैं क्या किसी ने जाना होगा ना, तब भी वो मुकर जाएगा कि तेरे साथ नहीं जाना है। सो आपका बाहरी भीतरी पर्यावरण, आपके चेहरे के तासुरात, फेशियल्स, इट मस्ट बी कंफर्टेबल, सौम्य, सौहार्द टपकना चाहिए। नियम नंबर 9, दो शब्द आपकी वाणी में फिक्स हो जाएं, सॉरी तीन शब्द आपकी वाणी में हमेशा प्रचलित हों। क्या क्या? प्लीज, थैंक्स, सॉरी। प्लीज, थैंक्स, सॉरी। हर वाक्य से पहले प्लीज लगाने की कोशिश करें, स्पेशली वहां जहां आप कुछ मांग रहे हैं। प्लीज मेरे को बताएंगे कि ये रास्ता कहां जाता है, हेलो। आप नहीं भी लगाएंगे तो वो तब भी बता देगा, लेकिन आप प्लीज लगाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये आदमी कैसा है। बाद में थैंक्स बोले। कहीं गलती आपसे हो या आपको ऐसा अंदेशा हो कि आपसे गलत हुआ होगा, सॉरी, सॉरी। एंड 10th वन इज, जब भी किसी से बात करने का मौका मिले तो 99% उसके बारे में बात करें जिससे आप बात कर रहे हैं, अपने बारे में। क्यों? लोग उनको सुनना पसंद करते हैं जो उनके बारे में बात करते हैं, हेलो। आप किसी को कितने भी प्यार करते हैं, कितने भी डिपेंडेबल रिश्ता है, अगर आप उसके बारे में नहीं सोचते, बात नहीं करते, तो उसको बड़ी खिफत होती है उससे, हेलो। एक शेर है, मेरे बारे में हवाओं से वो कब पूछेगा, खाक जब खाक में मिल जाएगी तब पूछेगा। अपना गम सबको बताना है तमाशा करना, अपना गम सबको बताना है तमाशा करना, हाले दिल उसको सुनाएंगे वो जब पूछेगा। अब बिछड़ना भी हो तो हंसते हुए जाना, वरना हर कोई रूठ के जाने का सबब पूछेगा। अगले आदमी के बारे में बात करना, आप किसी से बात करें, किसी दोस्त, दो दोस्त मिले, कितनी बातें कर लेंगे, हेलो, एक घंटा, दो घंटा, उब जाएंगे। आप कभी सोचें कि प्रेमी जब आपस में बात करते हैं तो कभी नहीं उबते, हेलो, एक घंटा, दो घंटा, 10 घंटे, 50 घंटे, हेलो, क्यों? क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के बारे में ही बात करते हैं। वो कभी भी नेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते, वो इंटरनेशनल और बायलैटरल इशू डिस्कस नहीं करते, वो ऑक्यूपाई LOC की बात नहीं कर रहे, वो दुनिया के किसी की बात नहीं करते, वो एक दूसरे की बात करते हैं।
और ऐसा कैसे हुआ कि एक लड़की के कहने से एक आदमी पहाड़ से नदी निकालने में कामयाब हो गया? हेलो, जादू है इसमें। और ये दो प्रेमियों के बारे में सच नहीं है, ये कहीं भी सच है। हेलो, बड़े बड़े काम कर दिए लोगों ने केवल एक दूसरे के बारे में, क्योंकि वो दुनिया में इस 7 अरब के जगत में रहने वाला वो पहला प्राणी था जिसको आपकी नाक के नीचे बना एक भद्दा सा तिल चांद नजर आया। चांद, हेलो, चांद कुर्बान उस पे होता है। दे जस्ट अबाउट ईच अदर्स। मेरे एक दोस्त हैं, उनका छोटा भाई है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बड़ा भाई मानता है, पहुंच होता है, वो फ्रेंड भी है। मेरे को एक दिन बताता है उसकी गर्लफ्रेंड है, कहता चाचू आज मैंने उससे ना 2.5 घंटे लगातार बात की। अगर तेरे चाचा ने 5 घंटे की थी साले, तू अभी छोटा है। क्यों होता है? प्रत्येक जीव के अंदर एक एहसास है, क्या मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं। हेलो, और सामने वाला जो व्यक्ति उस एहसास को पुख्ता कर दे कि तुम भी कुछ हो, वो उस पर दीवाना हो जाता है। हेलो, यू आर इन पीपल्स बिजनेस। किसी को इस चीज का एहसास दिलाना कि तुम भी महत्वपूर्ण हो, मेरा मानना है कि ये मानव धर्म के अंदर रहते रहते प्रकृति की सबसे बड़ी सेवा है कि आप किसी को एहसास दिला दो कि तुम भी कुछ हो। इससे बड़ी कोई बात नहीं। एक्सप्रेस योरसेल्फ। जो भी फीलिंग्स आप लोगों के बारे में रखते हैं, स्पेशली अच्छे वाली, हेलो, बता दे, बोल दे। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ आपने लाइफ में करना है, और मैं आपको शुभकामनाएं देने वाला हूं आपके आने वाले सुनहरी भविष्य के लिए। लेकिन लेकिन कब, कौन, कहां सड़क पे चिपका हुआ मिले, किसको पता है? हेलो, बहुत सारे लोगों के बारे में आपका ख्याल है कि कभी उन्होंने किसी समय में आपके लिए कुछ अच्छा किया था। हेलो, पर आपने उनको धन्यवाद तक नहीं कहा। सच है? कह दो, आज कह दो, फोन कर देना जाके। आज रात को उनको फोन करें कि सर वैसे तो बहुत देर हो गई, जमाने बीत गए, 5 साल पुरानी बात है, आपने मेरे को उस संजोग में इस तरह से मदद किया था जिससे मेरे को बहुत लाभ हुआ, और ये बात मेरे को हमेशा कुचोटती रही कि मैं आपको बोलूं। 5 साल हो गए हैं, अगर मैं आज आपको नहीं बोलता तो कल 5 साल 1 दिन हो गया होता। मैं और देरी नहीं करना चाहता था, मैं आपके प्रति विनीत हूँ, आभारी हूँ, और इस एहसान को हमेशा मानूंगा। हेलो, उधर जिसने ये सुना है वहां पता क्या होगा? बम। कहीं भी 100 तरह की चीजें, ये गांठे हैं जो आपके व्यक्तित्व को खुलने नहीं देती। अवेग कोई भी, ये इमोशन है, लेटिन भाषा का शब्द है इमोशन, जिसके मायने हैं एनर्जी इन मोशन। इमोशन में बहुत सारी एनर्जी होती है, लेकिन वो आपके कब काम आएगी? जब उसमें ये पड़ी हुई गांठें आप निकाल दें।
गांठें निकलने से आपका व्यक्तित्व सरल हो जाएगा। सरल जो चीज है वो कहीं भी बैक जा सकती है, ट्रेवल कर सकती है। कोई रिलेटिव है, बीवी को कब कॉम्प्लीमेंट दिया आपने? किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचें, बोल दें, तुरंत कह दें, एक कार्ड डालें थैंक्स का। अगर आप एक हफ्ते में ऐसे 10 लोगों को फोन कर पाए हेलो, या 10 लोगों को कार्ड पोस्ट कर पाए हेलो, और मैं आपको लिख के गारंटी दे देता हूं, उनमें से 8 लोग ज्वाइन करेंगे और 2 टेक्निकल पे जाएंगे। अगर आप कर पाए, और बीती जिंदगी में आपसे कोई किसी का नुकसान हुआ हो, आपसे कोई गलती हुई हो, कहीं आपकी बोलचाल बंद हो हेलो, रिश्ता स्थगित हो, माफी मांगे, कहें कि सॉरी, कि मेरे को एहसास तो पहले से था कि मैं गलत हूं, पर ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं माफी चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ, और मैं ख्याल रखूंगा कि फ्यूचर में ऐसी गलती ना करूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा से उसी तरह से कृपालु रहेंगे जिस तरह से उस घटना से पहले थे। मुझे आपका प्यार चाहिए, आई नीड यू, कह दीजिए। ये भी सखी बहन के लिए ऐसी कोई बात हो आपके पास, मे भी माँ बाप के लिए हो, मे भी आपके बच्चे के लिए हो, पड़ोसी के लिए हो, रिश्तेदार के लिए हो, किसी ना किसी के लिए आपके पास इस तरह की 100 बातें हैं, है ना? हेलो, कह दीजिए, कहो ना प्यार है, एक्सप्रेस इट एंड ओपन योरसेल्फ। आप जिंदगी में बहुत तरक्की करें, बहुत कामयाब हों, बहुत कुछ बनाएं और पीछे छोड़ के जाएं, क्योंकि सब छोड़ के जाना है, पता है? हेलो, लेकिन ईश्वर आपको यह सौभाग्य दे कि जब प्राण निकलें और आपको पता हो कि अभी कुछ ही मिनट में प्राण निकलने वाले हैं, क्योंकि यह सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। हेलो, ईश्वर करे कि आपके को यह सौभाग्य प्राप्त हो कि जब इस दुनिया से हम विदा लें तो हमें पता हो कि कुछ ही क्षण बाद हमें विदा लेनी है, तब आपको बहुत सारे पेंडिंग काम याद आएंगे। हेलो, कि उसकी रजिस्ट्री करानी थी नहीं करवाई, हेलो, उसको ये देना था नहीं दिया, ये था वो था, ये था वो था, ब्ला 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 ब्ला, तब आपको सौयों चीजें याद आएंगी, भले ही आपकी उम्र 160 साल की हो, तब भी आपको जाने का दुख होगा कि जा रहा हूं। अब तब आपको उन घड़ियों में पेंडिंग छूटे हुए 100 काम याद आएंगे, आपको पछतावा होगा, लेकिन एक पश्चाताप आप इस दुनिया से लेके कतई ना जाए, क्या? कि उसको थैंक्स बोलना था नहीं बोला, उसको सॉरी बोलना था नहीं बोला, आज बोल दें, अभी आज। ये 10 नियम हैं जिनको फॉलो करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी जो है वो उस तरह की हो जाएगी जिस तरह की पर्सनैलिटी की इस बिजनेस को जरूरत है, आज की सदी को जरूरत है, आज की सदी के नायकों और महानायकों को जरूरत है। यस, हेलो, हेलो, यस, Yes. Yes. लेकिन इस सफर पे आप रेगुलर चलेंगे तो आप पहुंचेंगे। यस, yes? Yes. लेकिन जिसको भी पहुंचना होता है उसको चलना होता है। यस, yes? Yes. और जो भी चलेगा वो गिरेगा। यस, yes? Yes. और कामयाबी का एक ही नियम है, लगातार चलना, जब गिर जाओ तो उठ जाना। क्यों? क्योंकि अब आप अडल्ट, हेलो,
अब खुद ही गिरना है और खुद ही उठना है. हेलो. खुद ही रोना है और खुद ही अपने आप को दिलासा देना है. किसी भी सफर में कामयाबी के लिए वक्त ज्यादा लग सकता है, जो भी लगातार चलेगा वो पहुंच जाएगा. यस. और जो भी लगातार चलतियां होंगी वो गिरेगा. हेलो. और वो पहुंचेगा जो गलती करने पे सॉरी बोलेगा और गिर जाने पे उठ जाएगा और उठ के फिर चलेगा. आरसीएम बिजनेस में आपको रॉयल्टी मिले, टेक्निकल मिले, मिलेगी, जरूर मिलेगी, 1000% मिलेगी अगर आप लगातार चले. लगातार चलोगे तो गिरोगे, गिरोगे तो एक ही नियम है, कामयाबी का सबसे बड़ा नियम जो दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में हर व्यक्ति के काम आया. जिस नियम को फॉलो करके दुनिया में जब से दुनिया बनी है लाखों करोड़ों लोग कामयाब हुए, वो नियम है केवल एक, चलो भागो गिरो तो उठ जाओ, उठ जाओ. आसियम बिजनेस में या जो भी मैं आपको बता पाया हूं, किसी भी नियम पे कुछ भी करके आपको कुछ भी करना हो, कुछ भी बनना हो, कतई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. धैर्य हो, कर्म में विश्वास हो, लगातार चलते रहें, गिर जाएं तो उठ जाएं, उठ के फिर चलें, फिर गिरें तो फिर उठ जाएं. दिस इज द ओनली प्रिंसिपल. वुड यू फॉलो इट? यस. लास्ट में एक छोटी सी पोएम मैं आपको सुनाऊं. यस. मेरा बचपन बहुत अच्छा तो नहीं था, मगर याद बहुत आता है. मुझे अपने बचपन की कई घटनाएं, कई मंजर, कई लोग याद हैं. उनमें से हैं एक मेरे पापा. मेरे पापा, मैं उनको बहुत पसंद करता था. मेरे पापा मेरे हीरो थे, वही मेरे शक्तिमान थे, वही मेरे स्पाइडरमैन थे, वही मेरे फैंटम थे, वो मेरे हीरो थे. मैं अपने पापा को बहुत पसंद करता था और मेरे पापा मेरे से काफी बड़े थे. यूं तो सबके ही पापा सबसे बड़े होते हैं, पर मेरे पापा मेरे से कुछ ज्यादा बड़े थे, क्योंकि मैं उनका सातवां और आखिरी बच्चा था. वो बहुत बिजी रहते थे, बहुत मेहनत करते थे, वो मेरे से बहुत कम बात करते थे. मैं बहुत चाहता था कि मेरे पापा मेरे से बात करें, पर उनको बहुत कम समय मिलता था. वो मेरे से कम बात करते थे या मेरे से कभी बात नहीं करते थे. मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल में देखता था कि दूसरे बच्चों के पापा कभी कभी स्कूल आते हैं. मेरा भी सपना था कि मेरे पापा भी कभी स्कूल आए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ, कई सालों में नहीं हुआ. मेरे पापा केवल एक बार स्कूल आए थे, जब वो मेरे को स्कूल जमा करने आए थे, उसके बाद नहीं आए. मेरा एक ड्रीम था, मेरा एक सपना था, मैं जो बहुत चाहता था कि दूसरे बच्चों के पापा की तरह मेरे पापा भी कभी स्कूल आए, वो कभी स्कूल नहीं आए. और फिर मैंने कोई ऐसा मौका भी पैदा तो नहीं किया. मैं इतना अच्छा नहीं था वो कभी स्कूल आते, और मैं इतना बुरा नहीं था कि वो कभी स्कूल आते, क्योंकि मैं एवरेज था. एक बार मेरे को पता चला कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाला है, सभी बच्चे किसी ना किसी खेल में भाग लेने वाले हैं और सब बच्चों के पापा स्कूल आएंगे. मुझे लगा कि शायद मेरे पापा भी स्कूल आएंगे, पर मैं किसी भी खेल में भाग लेने वाला नहीं था, फिर मेरे पापा स्कूल कैसे आते हैं? मैं किसी भी खेल में अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं सब खेल खेलता था. फिर मेरे को पता चला कि इस बार खेलों में दौड़ का खेल भी शामिल है, दौड़, रेस. तो मुझे लगा कि इसमें तो मैं शामिल हो सकता हूं, इसमें तो मैं जीत भी सकता हूं, क्योंकि दौड़ने में तो मैं सबसे आगे हूं. मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब मौका आया, अब पापा स्कूल आएंगे. मैंने नाम लिखाया कि मैं भी दौड़ में शामिल होऊंगा, 100 मीटर की दौड़ में. मेरा नाम लिखा गया, स्पोर्ट्स का दिन आने वाला था. उससे एक रोज पहले मैं घर आया और मैं पापा के रूम में गया. पापा बहुत बिजी थे, मैं उनके पास खड़ा हो गया. मैंने बोला, पापा
कल हमारा स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, मैं भी भाग ले रहा हूँ, सब बच्चों के पापा स्कूल आने वाले हैं, आप भी स्कूल आओगे। मैं ये कह के चुप हो गया। काफ़ी देर खामोश रहा, वो भी खामोश रहे, अपना काम करते रहे। काफ़ी देर बाद उन्होंने वो जवाब दिया जिसकी मुझे उम्मीद थी कि चल अपना काम कर। मैं निराश होकर उनके कमरे से बाहर आ गया। मुझे पता था कि मेरे पापा स्कूल आने वाले नहीं हैं। स्पोर्ट्स का दिन आया, सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि सभी खेल में भाग लेने वाले थे और सभी के पापा स्कूल आने वाले थे, पर मेरे पापा आने वाले नहीं थे। खेल का समय हुआ, सभी बच्चे दौड़ वाली रेखा पे आके खड़े हो गए। सबके पापा सामने खड़े थे, सभी बहुत खुश थे। खड़ा तो मैं भी था पर मैं खुश नहीं था। दौड़ शुरू होने की सीटी बजी, एक बजी, दूसरी बजी, तीसरी बजी, तो मैंने सामने देखा पापा सामने हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई, मुझे लगा अब मैं जरूर जीतूंगा। सब बच्चे भागे, मैं सबसे तेज भागा, लेकिन क्या हुआ कि मैं 10 कदम भागने के बाद गिर गया। मैं उठा और फिर भागा, उठा फिर भागा, फिर गिरा, फिर उठा फिर भागा, फिर गिरा, फिर उठा फिर भागा, फिर गिरा। अब क्या हुआ, अब तो मैं दौड़ शोर की रेखा से 10 गज पहले ही गिर गया। मैंने देखा सभी बच्चे शोर की रेखा पे पहुंच चुके हैं और सभी बच्चे अपने अपने पापा की बाहों में झूल रहे हैं। मैं गिर चुका था। अब की बार मैं उठ के भागा नहीं, सिर्फ चला आंखें नीची करके। मैंने देखा कि मेरे पापा मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ रहा हूं। मेरा पूरा शरीर ठंड से सुन्न था, पूरा बदन कांप रहा था, मेरे गाल शर्म से लाल हो चुके थे। मैंने बढ़ते बढ़ते पापा के कदमों को आगे आते देखा और उनकी टांगों से चिपक गया और मैंने बोला, पापा आई एम सॉरी, पापा मैं हार गया, आई एम वेरी सॉरी। पापा ने मेरे को उठा लिया, गले से लगाया जैसे पहली बार लगाया हो और मेरे कान में बोला कि बेटे तुमने एक चीज नहीं देखी कि तुम इस दौड़ में 5 बार गिरे और 5 बार उठे, तुम 5 बार जीते हो, 5 बार। ये सब बच्चे तो इस दौड़ में 1 बार जीते हैं और तुम 5 बार जीते हो, और ये बच्चे तो इस खेल में जीते हैं, तुम जिंदगी की दौड़ में जीतोगे, क्योंकि जिंदगी की दौड़ का एक ही नियम है, जिंदगी की दौड़ का एक ही नियम है, भागो गिरो उठो, भागो गिरो उठो, फिर भागो फिर गिरो फिर उठो, फिर भागो फिर उठो फिर गिरो फिर भागो, तुम जीतोगे। तुम इस खेल को क्या, जिंदगी की खेलो क्या, तुम जिंदगी की सभी दौड़ जीतोगे। इस घटना को 30 साल हो गए, इस घटना को 30 साल बीत चुके हैं। वो खेल खत्म हो गया, वो दिन खत्म हो गया, लेकिन मेरी दौड़ अभी भी जारी है। मैं अब भी दौड़ता हूँ, दिन में 10-10 बार गिरता हूँ, सिर्फ पापा की बात को याद रखता हूँ कि गिर जाओ तो उठ जाना, फिर भागना, तुम जीतोगे, सब जीतेंगे। एवरीबॉडी, हर वो व्यक्ति जीत सकता है, हर वो व्यक्ति जीत सकता है, हर वो व्यक्ति जीत सकता है जो दुनिया के सबसे गोल्डन रूल को याद रखे कि लगातार चलना है, जो चलेगा वो गिरेगा। गिरने वाला अगर उठ जाए, उठ के फिर दौड़े, गिरे फिर उठे फिर गिरे, तो निश्चित रूप से सब जीत सकते हैं। एवरी एंड ईच इंडिविजुअल कैन विन इफ यू विल कीप दिस प्रिंसिपल इन हिज माइंड, व्हेनेवर यू फेल डाउन गेट अप एंड रन एंड यू विल विन।